खुली जेल के कैदी को गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है, खुली जेल के कैदी को गोली मारी गई है। टाउन के कोहला की खुली जेल में हरपाल सिंह नाम का यह कैदी सजा काट रहा था। सब्जी लेने गए हरपाल सिंह को चार पांच लोगों ने घेर कर गोली मारी है। फायरिंग में हरपाल सिंह के हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में हरपाल सिंह का उपचार चल रहा है। पीलीबंगा निवासी हरपाल सिंह हत्या के मामले में सजा काट रहा है। हरपाल सिंह ने इमरान नामक व्यक्ति को गोली मारने के इस पर आरोप लगे हुए हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की टाउन पुलिस जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, खुली जेल के कैदी हरपाल सिंह को गोली मारी गई है। सब्जी लेने गया हुआ था, इसी दौरान चार पांच लोगों ने घेर कर गोली मारी। इस फायरिंग में हरपाल सिंह के हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में हरपाल सिंह का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर फायरिंग हुई है, खुली जेल के कैदी को गोली मारी गई है। टाउन के कोहला की खुली जेल में ही सजा काट रहा है हरपाल सिंह। सब्जी लेने गया हुआ था, चार पांच लोगों ने घेर कर इसको गोली मारी। बताया जा रहा है कि हरपाल सिंह के हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में हरपाल सिंह का उपचार जारी है। पीलीबंगा निवासी हरपाल सिंह यह हत्या के मामले में सजा काट रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, हनुमानगढ़ में सजा काट रहे हरपाल सिंह को गोली मारी गई है। जी बिल्कुल, मैं ऋषभ आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ टाउन के गांव कोहला के अंदर खुली जेल के अंदर आज शाम को जैसे ही कैदी हरपाल सिंह ये सब्जी लेने गया था और सामने से चार पांच युवक आते हैं और आते ही उन्हें गोली मारते हैं। उनके बाएं हाथ की गोली भी लगी है और मौके पे टाउन के जिला अस्पताल में हरपाल सिंह को भर्ती करवाया गया है। राजेश, कितने राउंड फायरिंग हुई है और फिलहाल उसकी हालत कैसी बताई जा रही है हरपाल सिंह की? जी, अभी पुलिस का कहना है कि दो उसके राउंड उन्होंने मारे हैं और फिलहाल उसकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। और अभी घायल जो हरपाल है, उन्होंने दो जनों को पहचान लिया है और उन्होंने दो जनों का नाम लिया है और तीन अन्य का नाम बताया जा रहा है। ये दो लोग कौन है जिनके नाम हरपाल सिंह ने बताए हैं, क्या वो उनको जानता था? जी बिल्कुल, ये इन्होंने एक तो नाम इमरान का बताया, एक रिजवान का बताया, दो जनों के नामजद बताया और तीन जनों ने बता रहे हैं कि उन्होंने मुंह के ऊपर साफा बांधा हुआ था, इस कारण वे पहचान नहीं सका। फिलहाल अब पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है राजेश? फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी करवा रखी है और पुलिस उन पांचों जनों की तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी कर रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राजेश कुमार जानकारी दे रहे थे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरपाल सिंह की तस्वीरें हैं, इसके हाथ में गोली लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में इलाज के दौरान की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये हरपाल सिंह जिसको गोली मारी गई है, सब्जी लेने गया हुआ था, खुली जेल में सजा काट रहा है। हालांकि हरपाल सिंह ने इमरान नाम के व्यक्ति पर गोली मारने के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि खुली जेल में सजा काट रहे हरपाल सिंह पर सब्जी लेते जाते समय हमला हुआ। इस हमले में हरपाल सिंह के हाथ पर गोली लगी है। फिलहाल इलाज जारी है।